क्यों उठे दिल छोड़ आए। पता खड़ी हो कहाँ है सारी की सारी अशरफिया कहाँ है घर बेच दे दी अपने मामे को। हाय रब्बा मैं हमारे घर की अशरफिया किसी और को क्यों दूंगी मैंने तो रखवाई थी। ओए तू रुक ये फट फट एनू है अशरफिया ये रुई कैसे हो गई बता मैनू कैसे हो गई ये रुई ये भी तेरा कोई नया कर्तव्य है। वीर जी माने हाँ कि अशरफियों की चोरी हुई है पर अशरफियां इसने चुराई आप कैसे कह सकते हो। उपजाई जी रुको मुकर एथिया कट। हाँ परजाई जी ये अशरफी इसकी चुन्नी विच अटकी पड़ी थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि चोर चोरी करके जाते वक्त इसे तोहफे के तौर में यह अशरफी देके गया हो और ये एक अशरफी इसके पास है तो बाकी भी इसी के पास होनी है। और इतने सालों में परजाई जी अपने घर की कोई भी चीज यहां से बाहर नहीं हुई और इसके आते ही इतनी बड़ी चोरी हो गई। जी नहीं मैंने जिंदगी में आज तक कभी चोरी नहीं की मैंने नहीं पता ये अशरफी मेरी चुन्नी में कहां से आ गई। चुप कर मत आरन मैंने तेरे को जमीन से उठाकर हवेली में पहुंचा दिया पर तूने इसी हवेली में चोरी कर दी थी। देख लिया इंसान अपनी फितरत नहीं बदलता। मैंने एक भी अशरफी नहीं चुराई है जी मैं आपकी नहीं नहीं उधर पुत्र जी की गाली थी। किसी की झूठी सौ खाने की जरूरत नहीं है। अब मैनू सब कुछ समझ में आ गया है। जब पूरा का पूरा परिवार उधर अमृत के लिए परेशान था ना तूने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। तू कमरे में नहीं थी तू अशरफियां चुरा रही थी। ओ नहीं जी नहीं मैं तो कमरे में और मैं तो की मैं नहीं बता सकती। और बताने को कुछ होगा तो बताएगी ना तू। एक चोर की इस घर में कोई जगह नहीं है निकल यहां से चल निकल। नहीं 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 चाचा जी छोड़ दो चाची नु ऐसे ऐसे। ओए अमृत तू बीच में ना आज इसकी औकात दिखानी मैंने चल निकल यहां से निकल। बाऊजी बाऊजी आप कुछ बोलो ना समझाओ चाचा जी नु। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मैं पहले ही क्या सी कि शादी ब्याह शक्ल सूरत देख के नहीं किया जाता खानदान देख के किया जाता है। अब रास्ते की तूल मत्थे पे लगाओगे तो मिट्टी आंख में पैनी पैनी है। बाऊजी राजीव ठीक है अगर थोनू लगता है कि मैंने चोरी की है ना तो फिर थानेदार को बुलाओ। थानेदार अभी के अभी सारी बात यही साफ हो जानी है। थानेदार आएगा असली चोर भी पकड़ा जाएगा तब आपको पता चलेगा कि असली चोर कौन है। बुलाओ रुक मैं बुलाता हूँ। अब रब 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 इस कुड़ी के लिए अब पुलिस बुलाओगे और लाला रतन किशोर सानी के घर में पुलिस आएगी। अब 55,000 अशरफियां भी और चोरी हो जाए ना तो कोई गम नहीं है लेकिन अपने अपने परिवार की इज्जत को ना मैं सड़क पर नहीं आने दूंगी। अपराधी मेरे से नहीं देखा जा रहा है अब तुझसे करो जो करना है। अभी नहीं 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 क्या आना है चाचा जी निकल यहां से चाचा जी निकल चल ओए इस घर में कोई जगह नहीं है छोड़ने की चल नहीं हूं पति जी। अब हम लोग क्यों चुप अब कुछ बड़ों के बीच में नहीं बोलते चुप तो चुप हो जा वो देख रहे वो शांति रख ठंड पे। नहीं जी नहीं मैं चोर नहीं हूं मैं चोर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है चल निकल निकल तू निकल।
और जब तक एक एक अशर्फी वापस नहीं करती है अंदर एक कदम नहीं रखेगी तू, समझ गई? और मैंने सच में चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ, राजा माता की कसम मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की मैंने। पति जी आप सुन रहे हो, मैं चोर नहीं हूँ। अपनी टोपी पहन के रखिए भाईजान, ताकि इन लोगों को पता चले कि लाहौर हमारा है। क्या हो गया तुझे उदय? पर मैं तुझे ऐसे हारने नहीं दूंगी। सिद्ध में तो मैं तुझसे दो कदम आगे हूं। के बाद मैं आपका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती। मदद करने जा रही हैं आप राधा जी की? किसी बेकसूर को सजा मिले ये मैंने मंजूर नहीं है। अजी बेकसूर तो मैं भी हूं जी, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिज जी ने राधा जी पे झूठा इल्जाम लगाया और आपने मुझ पे। क्यों? उन्होंने सबूत देखे बिना लगाया था और मैंने सबूत देख के। एक सेकंड, किस बात का सबूत? और रेडियो स्टेशन में मेरे धोखेबाज होने का आपको क्या सबूत मिल गया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं आपका रांझा और कहानियों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अरे बोलिए ना, तो के पास और मैं, अरे मैं तो रेडियो स्टेशन में रांझा की अरे मोगर विचारी की करे, अशर्फिया मिलने ते भी डरे। मुझे सबसे ज्यादा डर ना उस मर जाने अमृत का लग रहा है। तेनू दे व्याख्या ने जब ब्रिज बाजी राधा से सवाल जवाब कर रहे थे ना, तो वो अमृत मुझे घूर घूर के देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे मुझ पे शक हो गया है। उसे शक तो नहीं हुआ ना? किसी को कोई शक नहीं होना है बीजी, उस राधा ने तो बस सड़कों पे छलांगे लगाई है, पर इस घर में सबसे बड़ी खिलाड़ी तो आप ही हो। एवीनो घबराओ, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि वो राधा अब हमेशा हमेशा के लिए इस घर से गई। अब कितने गई है?
ऐ देख, वो देख, बैठी भी है बेशरम। तो ये चली गई ना, तो सपने लगना है कि इसने चोरी की थी। और फिर ये शर्फिया, मैं तुझे तेरे ब्याह में दे दूंगी पक्का। बीजी, मैनू ये शर्फिया नहीं चाहिए, मैनू तो नंदीर चाहिए। जिस तरह आपने अशरफिया चुरा ली ना, उसी तरह रणधीर को भी चुरा के दे दो मैनू। ये तो एक दिन होना ही है। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे इन अशरफियों को छुपाना पड़ेगा। आज ही रात घर पे नहीं रख सकती। चाची, आप ये क्या कर रही हैं? ओ जी, ठंड पेल रही हूँ जी। हमारे सर्दियों में जहाँ पे झोपड़े में ठंड भर जाती थी ना, हम ऐसे ही ठंड पेलते थे। इससे ना ठंड कम लगती है और फिर नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है जी। देखो, थोड़ा थोड़ा पसीना भी दिख रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, ये मत करो, रुक जाओ। ये लीजिए, आप मेरे कमरे में चल के सो जाइए। सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ वापस आ जाना, किसी को पता नहीं चलना है। कैसे किसी को पता नहीं चलेगा? मेरी हिंगलाजा माता को पता चल जाएगा ना कि मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। नहीं जी, नहीं, ये सब नहीं कर रही मैं। आपने चोरी की है? नहीं। तो फिर सजा क्यों भुगतना चाहती है आप? सजा? ओ जी, ये सजा थोड़ी है, मैं तो बस अपनी पति जी की बात मान रही हूँ। अगर वो आपके पति है तो आप भी पत्नी है ना उनकी। कोई गुलाम थोड़ी ना कि सही गलत सब मानेंगी। और ऐसे किसी सबूत के बिना सजा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? हाय रुपा, ऐसी कैसी बातें कर रही हो? हाँ अमृत पुत्र जी, वो जो पति जी होते हैं ना, भगवान जी होते हैं, भगवान जी। तुसी फिकर ना करो जी, मेरी फिकर ना मेरी हिंगलाजा माता करेंगी है। वो ना मेरी बातें मानती है। आपको पता है, आप जब दंगे में फंस गए थे ना, तब मैंने हाथ में कपूर जलाकर ना आपके लिए एक टांग पर खड़े रहकर मन्नत मांगी थी जी। मैंने आ गए आप है? क्या आप कमरे में बंद होकर दुआ मांग रही थी हमारे लिए? आए, मैं मर गई। इंगला जो माता, माफ करना है, मैंने मन्नत बता दी। आप ना मुझसे नाराज ना होना, मैं ना कल पूरा दिन व्रत रखूंगी जी आपसे। देखिए, मैं जानता हूं कि राधा जी ना आज अंदर नहीं जाएंगी, लेकिन एक तरीका है। आज रात ना राधा जी मेरी गाड़ी में आराम से सो सकती हैं। इसमें? इसमें जी। हाँ, ये तो हो सकता है ना। एवी गल से ये है, इससे ना ही पति जी की बात टलेगी, ना ही मन ठंड लगेगी है। हाय, देखा माता जी ने कितनी जल्दी बात मान ली जी मेरी है। हाय, कितना से आना मुंडा है। शुक्रिया।
बदतमीजी है। छोड़िए मेरा दुपट्टा। मैंने कहा से खेलते हो, ज़बाँ चुप है तुम्हारी मगर कुछ बोलते हो। ये करतब है निराले, क्यों मेरे दिल को उछाले। मेरा दिल उड़ता जाए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। क्यों उठे दिल छोड़ आए, दिल छोड़ आए। क्यों थे दिल छोड़ आए। सॉरी, यू ओके? ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, या तो इसे अंदर से खोलना पड़ेगा या फिर चाबी से। इससे पहले कि खोया जाए खोल दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। जी। देखिए, ये बात समझ में आती है कि कल आप रेडियो स्टेशन रंजन से मिलने आई थी, पर ये बात समझ में नहीं आती कि मुझे कहानियां पढ़ते देख आपने मुझे धोखेबाज क्यों समझ लिया। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप पक्के तौर से जानती हो कि रांझन मैं नहीं हूं। और अगर आप ये जानती हैं तो आप ये भी जानती होंगी कि असली रांझन कौन है। उसे उसे बताना चाहती हूं कि मैं ही रांझन हूं। जोर मत लगाइए, दुपट्टा फट जाएगा। उसे छोड़िए, रांझन से मिलवाने का वादा कर लीजिए। मैं गाड़ी का दरवाजा खोल दूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं मिलवा सकती आपको रांझन से। क्यों मिलना चाहे रांझन आपसे, ये जानने के बाद कि उसके नाम से उसी की कहानियां आप दुनिया को सुना रहे हैं। मैं रांझन बनके दुनिया को इसलिए कहानी सुना रहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि रांझन दुनिया के सारे पर्दे खोल के मेरे सामने आ जाए। और एक सच्चे कलाकार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उसका नाम, उसकी पहचान कोई और इस्तेमाल करे। और मैं ठीक था, आप मुझसे मिलने, मुझे देखने रेडियो स्टेशन तक चली आई और मुझे रांझन का पता बताने वाला मिल गया। आप मुझसे रांझन से मिलवाने का वादा कर लीजिए। मैं गाड़ी का दरवाजा खोल दूंगा। नहीं मिल सकती रांझन आपसे।
नहीं मिल सकती? नहीं मिल सकती। मैं जानता था कि रांझन एक लड़की है। सुनिए आप, देखिए इसे खोल दीजिए, अगर किसी को पता चल गया कि इस वक्त मैं यहां हूं तो। क्यों प्यासी जिंदड़ी है, क्यों प्यासे नैनो मेरे, कदे ते सोनिया जिया दे जैन मेरे। मैं देखूं राह तेरी तू आके भी ना आए, मुझे तू क्यों सताए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। वशमा पे किसी का वश नहीं, अगर दिन में नहीं आने देगा ना तो रात में आ जाऊंगी हमेशा की तरह छत से कूद कर। उए। अरे कहीं वो चोरनी वापस तो नहीं आगी कूद फांद के है। लिहाज नाम की कोई चीज होती ही नहीं होती। अगर घर में किसी ने देख लिया होता तो स्यापा अलग होना था। जा यहां से। हम दोनों के बीच सिर्फ तेरी मनमानी नहीं चलेगी उदय। तू बोले तो अपनी खास सहेली अमृत को बिना बताए कॉफी हाउस में तो मैं मिलने आ जाऊं। तू बोले कि अब से तेरी सूरत नहीं देखनी तो अपनी सूरत छुपा लूं। तू होगा वह डाकड़ू पर मेरा नाम भी वशमा है। जब तूने कबूल किया था ना कि तुझे मुझसे मोहब्बत है तभी वो गलती होगी, मुझसे गलती होगी। वो कॉफी हाउस वाले दिन के बाद ना एक बात तो मेरे साफ साफ पल्ले पड़ गई है कि तू ते मैं कदे एक नहीं हो सकते। बस कमीज पे मेरी खून के छींटे गिरे थे ना, वो मुझे हमारे रिश्ते में नजर आने लगे हैं। वो तेरे मेरे बीच में मजहब की एक बहुत बड़ी दीवार है जिसने कभी नहीं गिरना। वो किसी ने नहीं कबूल करना ये रिश्ता, ना तेरे परिवार ने, ना मेरे परिवार ने, ना इस बेरहम दुनिया ने। किसी ने नहीं कबूल करना, किसी ने। ओए, जब कोई कुड़ी किसी के प्यार में घर से रात को निकलती है ना तो वो सिर्फ अपने घर की छतें ही नहीं टापती बल्कि दुनिया की हर दीवार को टापने को तैयार होके आती है। फिर चाहे वो दीवार मजहब की हो या दुनिया की बनाए बेबुनियाद उसूलों की। वो किताबें पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया है तेरा। वो जरा सच की जमीन पे आ, देख और समझ। वशमा, वो हम दोनों को एक दूसरे के बगैर ना अब जीने की आदत डालनी पड़ेगी। डालनी पड़ेगी वशमा। अच्छा, मेरे बिना जीना सीख लेगा? ओए, सारी उम्र तो क्या, दो दिन भी मेरे बिना गुजार के बता दे, मैं मान जाऊंगी तेरे फैसले को। बात
तू तो मेरे बिना तो मिनट भी नहीं रह सका। ओए मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। बाऊ जी के पैरों की आवाज आ रही है, लगता है उठ गए। आई तो अंदर से ही थी। देख लेता हूं बाहर बैठे या भाग शक गए। ये रणधीर इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? कहीं अंदर तो नहीं घुस गई है? वैसे एक बात बोलूं, तेरी आंखों में अपने लिए डर से ज्यादा मेरे लिए फिकर देखी है मैंने, जिसे देखकर हमारे प्यार पर यकीन और बढ़ गया मेरा। दो दिन, सिर्फ दो दिन में तो आके कहेगा वशमा, तेरे बिना नहीं जी सकता। चाचा जी चले गए। काश इस कमरे की भी जुबान होती तो ये बता देता कि असल में अशरफियां किसने चुराई है। परांदे की लटकन तो ओए रा
ये क्या? उठा। हेलो जी। और जब तक एक एक अशर्फी वापस नहीं करती है, अंदर एक कदम नहीं रखेगी तू, समझ गई? ओजी, और मैंने सच में चोरी नहीं की। आजो बाबू जी, बैठो जी, बैठो। मैं कोई लोड नहीं, एक दिन दाढ़ी नहीं छीलूंगा तो मर नहीं जाना है मैंने। मेरे कॉल उस दिन आना जिस दिन हॉकी छड़ देगा तू। आता नहीं हो सकता बाबू जी, आ नहीं हो सकता। जिंदगी च कुछ तो अपना होना चाहिए, कुछ अपना जिदे करके किसी ने कोई एतराज ना हो। चार फुट का डंडा तेरे प्यो से ज्यादा हो गया। वो क्या है ना बाबूजी, जिंदड़ी बिताड़ ली ना, खुद के वास्ते एक सच्ची वजह होनी बड़ी जरूरी है। जे दाढ़ी छीलने का दिल हो तुझे आवाज मार देना। ओह, आज तो मेरी हॉकी का प्रैक्टिस मैच है। देवीर जी, क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो आप? अब्दुल भाई, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, मेरी हॉकी की प्रैक्टिस और जर्सी अंदर। अब्दुल भाई, मैं आप थोड़े शांत हो जाइए, आप सोचिए आपने आखिरी बार चाबी कहाँ रखी थी। चाबी अब्दुल भाई परसों ही बंद की थी ना अलमारी, और जेब में रखी थी चाबी। याद आया? हाँ, याद आ गया। उदयवीर जी अपनी अलमारी की चाबी मंगा रहे हैं, बोल रहे हैं गलती से तुम्हारे पास आ गई है। गलती से? ओए, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। जाके बोल दे, ढूंढनी पड़ेगी, पता नहीं कहाँ की कहाँ हो गई। ठीक है, अब हर चीज गलती नजर आ रही है जनाब को। मैंने भी नहीं देनी चाबी, पता नहीं कहां से कहां रख दी। मतलब मेरे सामने तो बैग में रखी थी ना। कब रखी थी? वो जब हम पुलिस की गाड़ी में बैठकर वापस आ रहे थे, मैंने अपनी जेब में रखी थी और वो जेब से गिरी तो मैंने उसे संभालने को दी थी। ओए उदय, की कर रहे हैं? वो ना बस इसके पैर बहुत हिल रहे थे, वही ठोक पीट के कस के ना पैर जमीन पर टिकाने की कोशिश कर रहा हूँ। आए हाय
हाय वशमा, बड़ा सोना सूट पाया है तूने। नरगिस फिल्म में ना नरगिस ने बिल्कुल एओजा सूट पाया था। जी शुक्रिया। किसी ने तो देखा, तू तो हीरोइन से भी ज्यादा सोनी लग रही है। अब आप ही बताओ ताई जी, अब इन कपड़ों में है किसी की मजाल जो मुझ पे नजर ना डाले? जिसकी अखा फूटी होंगी ना वही रह सकता है तुझे देखे बिना। हाँ, या फिर जिसकी किस्मत फूटी होगी वो। कैसे जा सकता है? चाचा जी चाय। ओ मुगर राजा, चाय पी ली मैंने। अमृत रुक, ये दूजी चाय किसके वास्ते लेके जा रही है? अब चाची जी के लिए। वो बाहर है तो चाय भी बाहर ही लेकर जानी पड़ेगी। नहीं, वो बाहर नहीं है, मैंने कल रात ही नजर मारी थी, कहीं नहीं हो। नहीं नहीं, वो है गाड़ी में। मेरा मतलब है कि झाड़ी में छुपकर सो रही थी वो। रब 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 रब, ऐ तो यही गल होगी कि कोठी वाले रोए और छप्पर वाले सोए। हमारी पूरी रात कितनी मुश्किल में बीती है और वो महारानी सो रही है। और सुबह उठ के हमारी लाडो रानी चाय नाश्ता सब देने को तैयार है। ये कैसी सजा हुई विपराज जी? हाँ, जब बनाई दिए तो दे आ जाके। विपराज जी मैं क्या कह रही हूँ कि... ओ मैंने देखना है कब तक बैठती है वो बाहर। मेरी गल किसने सुननी है? सब अपने हिसाब से करो सारे काम। मैनू की ऐसी लटकन वाला परांदा तो सिर्फ मोगर बुआ जी लगाती है घर में। रात जो लटकन मुझे मिला था वो बुआ के इसी परांदे का है। क्या हुआ? रब रब रब। वट्टी आई चा देने वाली, ये लीजिए। चाची जी, चंगी तरीके से याद करके बताइए, आखिरी बार आपने अशरफिया कहाँ देखी थी? मोगर पहन जी, जारा और अब्दुल के हाथों रखवा रही थी। हाँ, तो फिर थानेदार को बुलाओ। थानेदार? अभी के अभी सारी बात यही साफ हो जानी है। रुक, मैं बुलाता हूँ। अब रब 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 रब, इस कुड़ी के लिए अब पुलिस बुलाओगे? इसका मतलब मेरा शक सही था। आखिरी बार अशर्फियों के साथ बुआ जी को ही देखा गया। पुलिस के नाम से भी वही सबसे ज्यादा डरी थी। और वो परांदे की लटकन भी। चाची जी,
तुसी फिकर ना करो, आज शाम होने से पहले पहले आपने घर में वापस होना है। हे सच्ची, चंगा जी चंगा। वाह, क्या बात है मेरी शेरलॉक होम्स। वैसे मानना पड़ेगा, कमाल की जासूस हैं आप। पहले तो मेरी चोरी पकड़ ली और फिर इस घर में चोर को पकड़ लिया। वैसे मुझसे तो आपने बड़ी आसानी से मेरा गुनाह कबूल करा लिया, लेकिन अब इस चोर से कैसे करेंगी? बुआ जी, अपना गुनाह अपने मुंह से तो कबूल करने से रही, उन्हें रंगे हाथों ही पकड़ना पड़ेगा। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। सच? आप मेरी मदद करेंगे? जी क्यों नहीं। देखिए वो क्या है ना, मेरे पास ना एक बहुत अच्छी तरकीब है जो शर्तिया काम करेगी। मैंने ना एक इंग्लिश मूवी में देखा था, लंदन में, लेकिन एक शर्त पे, बदले में आप मुझे रांझन से मिलवाएंगी। बोली। अमृत कैसे मिलाएगी आपको रांझन से? इसे क्या पता कि रांझन कौन है? और वैसे जी, आपको क्यों मिलना था उस रांझन से? अजी सही कहा जी आपने, ये कैसे जानती होंगी रांझन को? जी वो क्या है ना, वो रांझन की कहानियां मैं अपने अखबार में छापता हूँ तो लोग ना मुझे दिन भर फोन लगाते रहते, क्या आप हमें रांझन से मिलवा सकते हैं, एक बार उनका ऑटोग्राफ चोटोग्राफ मिल जाता, मैं परेशान आ जाता हूँ जी। वैसे सुनिए, क्या आप मुझे रांझन से मिलवा सकती हैं? ना जी ना, मैं नहीं जानती किसी रांझन मांझन को। चलिए कोई नहीं, कुछ राज जुबा पे आ गए थे तो कुछ दिल में से आने को बेताब थे, कुछ राज दिल को तड़पा रहे थे तो कुछ राज दिल को बहका भी रहे थे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.